हेलो दोस्तों, मैं हूं एमएसके और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे मॉड के बारे में बात करेंगे जो आपने माइनक्राफ्ट में कभी भी देखा नहीं होगा। यस गाइस, एक ऐसा मॉड जो आपके माइनक्राफ्ट में ब्लॉक्स और मॉब्स दोनों को चेंज कर देता है और उनमें जो है वो फिजिक्स ऐड कर देता है। ये है फिजिक्स मॉड इन माइनक्राफ्ट। अब फिजिक्स मॉड इन द सेंस मैं आपको फिजिक्स बता के और फिजिक्स की थियोरी बता के बोर नहीं करने वाला, ये वो वाला मॉड नहीं है। ये मॉड जरा सा अलग है फिजिक्स इन द सेंस। इस मॉड में ग्रेविटी है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रियल लाइफ में हमारे फिजिक्स होती है इन द सेंस। अब ये जो एक पेड़ है, ठीक है, अगर मैं इसके नीचे की तरफ तोड़ूंगा तो जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो नीचे की तरफ गिर गया। और मैं आपको यहाँ पर भी जो है वो थोड़ी बहुत चीजें बताता हूँ, जैसे कि ये केव है हमारी, अगर हम इसमें से एक भी ब्लॉक तोड़ देते हैं जैसे कि ये, तो हमारी जो है वो पूरी की पूरी केव नीचे की तरफ गिर जाती है पूरी की, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये जो है वो एक फिजिक्स बेस्ड मॉड है माइनक्राफ्ट के लिए। और भी इसमें जो है वो ब्लॉक फिजिक्स तो है जैसा कि आप देख सकते हो, उसके साथ साथ इसमें मॉब फिजिक्स भी है। मॉब फिजिक्स इन द सेंस मॉन्स्टर्स और एनिमल्स जितने भी है उनके ऊपर भी फिजिक्स है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास ये जो एक चिकन है, ठीक है, अब हम इसे जो है वो मार देंगे तो चिकन जो है वो बहुत सारे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और भी हमारे और भी मैं आपको जो है वो डेमो देने वाला हूँ। तो जैसा कि देख सकते हो हमारे पास और एक चिकन है और जैसा कि आप देख सकते हो वो जो है वो पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम जो है वो मॉन्स्टर्स के ऊपर भी ट्राई करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे पास जो है वो ज़ॉम्बीज हैं यहाँ पर, और अब जब मैं इन ज़ॉम्बीज को मारता हूँ तो यहाँ पर भी जो है वो एक अलग से फिजिक्स है। जैसा कि आप देख सकते हो मैं इस ज़ॉम्बी को मारता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है वो एक रैगडॉल फिजिक्स है जो नॉर्मली हायर एंड गेम्स में होती है, जैसे कि FPS गेम्स में भी ये जो रैगडॉल फिजिक्स है वो होती है। और आप जो है इस रैगडॉल फिजिक्स को और भी मॉन्स्टर्स के ऊपर जो है वो यूज़ कर सकते हो, जैसे कि क्रीपर। अब मैं यहाँ पर सर्च करूँ और क्रीपर को स्पॉन करूँ तो जैसा कि आप देख सकते हो क्रीपर के लिए जो है वो मैंने अलग सेटिंग लगाई है, तो जैसे ही क्रीपर मरेगा वो जो है वो पीसेस में ऐसे गिर जाएगा। तो ये जो है वो क्रीपर के लिए है। और आप जो है वो सेटिंग्स में जाके यहाँ पर फिजिक्स ऑप्शन में जाके सारी की सारी चीज़ें सेटिंग्स अपने को जैसी चाहिए वैसी चेंज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको जो है वो इंडिविजुअल सेटिंग्स चेंज करनी है, यानी हर एक ब्लॉक के लिए अलग से आप जो है वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, और हर एक मॉन्स्टर और एनिमल के लिए भी आप जो है वो अलग से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो इस मॉड में। और उसके साथ साथ हमारे पास और भी जो है वो फिजिक्स है, जैसे कि आपको ग्रेविटी फिजिक्स बताई, और भी नए अपडेट्स में और भी फिजिक्स आती रहेंगी इस मॉड के अंदर। तो अब मैं आपको जो है वो थोड़े बहुत नेदर के मॉन्स्टर्स के बारे में भी बताऊंगा। मैंने जो है वो नेदर पोर्टल वहां पर बनाया था, बट हम जो है वो स्पॉन ही कर लेंगे सारे मॉब्स को। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लेज का मुझे दिखाना है, अगर आप ब्लेज अगर आप ब्लेज को ये करोगे और ब्लेज आपके पास है, अगर आप इसे मारोगे तो जैसे कि आप देख सकते हो ब्लेज भी जो है वो बहुत सारे टुकड़ों में गिर जाता है या फिर पीसेस में गिर जाता है। तो ये जो है वो मॉड की खासियत है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो गास्ट है, गास्ट भी एक बहुत ही अच्छा जो है वो मॉन्स्टर है, और अगर आप गास्ट को भी मारते हो तो गास्ट जो है वो भी पीसेस में गिर जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत बड़े बड़े पीसेस में गिर जाता है, और इनके ऊपर जो है वो भी फिजिक्स है जैसा कि आप देख सकते हो। मैं जो है वो पीसेस को धकेल सकता हूँ अगर हमें चाहिए तो इसके ऊपर भी जो है वो फिजिक्स अप्लाइड है इन दिस गेम। तो ये जो है, और थोड़े देर के बाद ये जो चीज़ है वो डिस्पॉन हो जाती है क्योंकि आपका FPS जो है वो ना गिर जाए और आपका गेम जो है वो लैग ना हो जाए। तो मैंने आपको दो फिजिक्स बताई मॉन्स्टर्स के लिए, फर्स्ट थी रैगडॉल, सेकेंड थी ब्लॉक्स, और अब मैं आपको थर्ड फिजिक्स बताऊंगा जो कि है पीसेस। तो अगर आप ऐसे ही ज़ॉम्बी को ये करोगे तो पीसेस में जो है वो मॉन्स्टर्स कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो थी वो थर्ड फिजिक्स थी, और ये ख़त्म होता है फिजिक्स का मॉड। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी पसंद आया गिव दिस वीडियो लाइक, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और कॉमेंट सेक्शन में बताइए क्या आपको सही में पता था ऐसा भी मॉड माइनक्राफ्ट के लिए अवेलेबल है, या फिर आपको सही में पता था कि आप ऐसे माइनक्राफ्ट को खेल सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली बार और एक नए वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।